एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं जहां से जीएस विवेक और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीएस, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बात कीजिए जरा फैंस से इस रिकॉर्ड के बारे में। आपने पहले भी पूछा कि क्या हम 8-0 करने में कामयाब रहेंगे या 7-1 हो जाएगा। पूरी तरह से जो है समर्थन भीड़ का तो इंडियन टीम के साथ है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या पाकिस्तान इतनी कमजोर है? जी हाँ, बिल्कुल, अगर प्रैक्टिकल ही देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम कमजोर नहीं है। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो सेंटिमेंट है, और आपको ये बता दें कि ये बहुत ज्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि जब पूरा क्राउड जो है आपके ऊपर सपोर्ट करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये ऑपोजिशन टीम के लिए। और इसी वजह से, और जो कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, अगर अगली बार जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पिच कंडीशंस, वेदर कंडीशंस कितना बड़ा रोल यहाँ पर ये प्ले करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ फैंस हैं, फैंस से पूछते हैं आज क्या होगा यहाँ पे। इंडिया जीतेगा, आवाज ही नहीं आ रही है। इंडिया जीतेगा, क्या लग रहा है आपको? विराट को एक बार फिर रन बनेंगे? विराट के बनेंगे, यस यस, सेंचुरी। जन सैलाब वाला नजारा है आज। कोई भी कोई दिक्कत होगी वहां पर, प्लेयर्स को भी दिक्कत होगी, कौन सुनाई नहीं देगा कि कैप्टन का इंस्ट्रक्शंस क्या है वो दिखाई नहीं देगा। कप्तान रोहित ने बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जन सैलाब आ गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के सामने। जहां नजर दौड़ाए वहां पर जमीन नजर नहीं आ रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आशीष, आपका भी फ्रेम मुझे दिख रहा है। आशीष, अगर बात की जाए आज इस भीड़ में कहीं कोई इक्का दुक्का पाकिस्तानी फैन ढूंढने की, तो मुझे बताया गया कि शिकागो वाले चाचा तो आए हैं, वो अकेले ही पाकिस्तान का झंडा लेकर बेचारे ग्राउंड के आसपास घूम रहे हैं कल से कि शायद कुछ समर्थन मिल जाए, शायद कुछ हमें भी यहाँ पर लोगों का समर्थन मिले। लेकिन इंडिया की जनता जो है वो अच्छा एक गेम एंजॉय करना चाहती है, हम चाहते हैं कि काटे की टक्कर हो। जी हाँ बिल्कुल, एक बार मैं दिखाता हूँ, आप जो कह रही है दूर तक आपको नीले रंग का समंदर नजर आएगा। पाकिस्तानी जर्सी में कोई नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तानी झंडे नजर नहीं आ रहे, तो ठीक है, एज स्पोर्ट्स लवर थोड़ा सा जरूर लगता है कि अगर पाकिस्तानी व्यूअर्स भी यहाँ पर ज्यादा होते हैं, स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट ज्यादा होते हैं तो मजा आता है। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है मैच में? आप कितनी बड़ी विक्ट्री रहने वाली? बहुत ही। आप लोगों को पता है शुभमन गिल के पूरे चांसेस है खेलने के। क्या बात है, यह भी है, हमारे पास शुभमन गिल की एक फैन है। आपको एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आंटी आप एक मिनट आ जाएं, ये देखिए किस उम्र के लोग भी यहाँ पर मैच देखने के लिए आ रहे हैं। आंटी आप आंटी कहाँ से आ रही हैं आप बता दें? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से खास मैच देखने के लिए? खास मैच। आप हर बार आती हैं? नहीं, इस बार पहली बार। पहली बार, अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आपने तय किया कि इस पहली बार आज जाकर के मैच देखना चाहिए? अभी इससे ज्यादा तो अभी और फिर कमजोर होती जाऊंगी, फिर कभी चांस हो ना हो। तो वो जो ख्वाहिश थी वो इस बार पूरी। अच्छा, मुझे अपना फेवरेट बैट्समैन बता दीजिए। शुभमन गिल है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, कौन है? विराट कोहली। दोनों आपका सब पर आशीर्वाद, कोहली और शर्मा दोनों। अरे क्या बात है, थैंक यू आंटी जी। बताएं इस बार पाकिस्तान मौका ढूंढ रहा है ना भाई? विराट, यंग विराट कोहली। एक मिनट सर, जरा पीछे मुड़ के दिखा दीजिए ना, माहौल बनाओ ना। क्या बात है, वेरी गुड। 18, क्या नाम है आप? मंशा। कहाँ से आ रही है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से? हाँ। तो आपको क्या लगता है आज चंडीगढ़ के प्लेयर्स खेलने वाले, कहाँ पंजाब के प्लेयर्स खेलने वाले, कहाँ? आज सिर्फ इंडिया खेलेगा और जीतेगा। क्या क्या आपको लगता है किस तरह की परफॉर्मेंस होने वाली है? और पाकिस्तान की टीम भी ना बहुत स्ट्रांग है, उनके भी प्लेयर्स बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म अप कर रहे हैं, उससे हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा और आज भी नहीं पड़ेगा। चलिए, और राजस्थान भारत, आशीष राजस्थान, जज्बा वही है, जज्बा वही है कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आज वही जज्बा नजर आ रहा है। और कपिल पाजी मेरे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है, शिखर धवन से भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन पाजी आज देखिए, इस बात में हम सबको भी सहमत होना पड़ेगा कि आज का दिन जो है वो इन दर्शकों का दिन है। उन्होंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है आज ये एनकाउंटर देखने के लिए, भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो, इतना बड़ा स्टेडियम हो, स्टेज सेट है। और इन व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से आप कोई टिप्स देना चाहेंगे कैसे इस गेम को एंजॉय करें और कैसे अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में करके रखें?
आई थिंक दे शुड एंजॉय द गेम। हाँ, हार जीत एक तरफ जाती है और ये फैन हैं जो इस गेम को इतना बड़ा बनाते हैं, तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर आपके अपने आप के ऊपर एक गलत धब्बा जाए। अच्छा मैच खेलो, जीतो या हारो, इन्जॉय दैट। यस, पब्लिक चाहती है कि हिंदुस्तान ज़रूर जीते, भारत ज़रूर जीते, लेकिन साथ में ये भी हम चाहते हैं कि एक अच्छा मैच हो और कंडीशन अच्छी मिले सबको। पाजी, आप एक बात सच सच बताइए, कितने लोगों ने आपसे कहा कि टिकट या पास दिलवा दो आज के मुकाबले के लिए? बहुत लोगों से बात हुई पर सबसे माफ़ी मांगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी डिमांड है इस मैच की। और यही कह सकते हैं कि सॉरी, शायद लेट्स द बेस्ट पीपल गो देयर एंड वॉच द गेम। जी बिल्कुल, और हम दोनों भी यहाँ खड़े हैं, हम दोनों भी इस मुकाबले का जो पूरा मज़ा है अपने स्टूडियोज़ के जरिए खुद भी लेंगे और आप सब तक भी पहुँचाएंगे। आज 12 घंटे की लंबी कवरेज विश्व विजेता के मंच पर आपको मिलने वाली है। दोपहर के 12 बजे से हमारी कवरेज शुरू हो गई है और रात को भी करीब 12 बजे तक, जब तक मैच का फैसला आता है, मैच के एनालिसिस लेकर हम आपके बीच लौटते रहेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।